हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फॉर एडुकॉम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजंस ऑफ रिफ्यूजल। क्या आप फाइल लगाते हो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, स्टडी वीज़ा की या टूरिस्ट वीज़ा की या कोई भी, तो आपकी फाइल रिफ्यूज़ क्यों कर दी जाती है, क्यों रिजेक्ट हो जाती है आपकी फाइल। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको रीजंस बताने वाला हूँ, रीजन बताने के बाद मैं एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सारे रीजन समझ में आ जाएंगे और सोल्यूशन भी पता चल जाएगा इनसे बचने का। सबसे पहला रीज़न, ये बात समझो कि हर कंट्री आपको वीज़ा देना चाहती है। कोई भी कंट्री है वो तो चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिले, लेकिन एक ही चीज़ है जिसकी वजह से 99 वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, जब उनको शक होता है कि ये बंदा जो जा रहा है ये वापस नहीं आने वाला। मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर उनको शक हुआ कि वापस नहीं आएगा तो आपको नहीं दिया जाएगा वीज़ा, चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने टाइल्स शो करने पड़ते हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप दिखाने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करनी पड़ती है। कोई बिजनेस है, आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे है, आपकी बेटी बच्चे यहाँ पर है, मतलब कुछ भी आपको दिखाना है कि हाँ ये कारण है मैं वापस आऊँगा, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है और मैं वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ या मैं वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए जा रहा हूँ तो मैं वापस आने वाला हूँ, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण जो बहुत बड़ा कारण है, फाइनेंशियल अबिलिटी। फाइनेंशियल अबिलिटी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कम पैसे हैं लेकिन बाहर जाने का सपना देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जिन्होंने आपको वीज़ा देना है वो ये देखना चाहते हैं कि क्या यार इस बंदे के पास पैसे भी हैं, वहाँ चला गया पैसे नहीं है तो करेगा क्या। अगर पैसे नहीं है तो उनको शक होगा कि मे बी ये वहाँ पर पैसे कमाने के लिए जा रहा है, तो उनको शक होगा ये वापस नहीं आएगा। फिर से वही बात आ गई, शक हो गया वापस नहीं आएगा, फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरा उनको होता है कि इसके पास पैसे नहीं है, खाएगा पिएगा क्या, सर्वाइव कैसे, कहाँ, ये तो बोझ बन जाएगा हमारी कंट्री पे आके, तो फिर भी आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ जी मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पहले साल की फ़ी तो दे के जा रहा हूँ, GIC भी दे के जा रहा हूँ, ऊपर से मेरे पास दूसरे साल की फ़ी देने के लिए भी पैसे हैं, मेरे पापा की एनुअल इनकम इतनी है, मेरे मम्मा की इनकम इतनी है, मेरे बड़े भाई की इतनी इनकम है, मतलब आपके जो फैमिली है उनकी इनकम भी आप दिखा सकते हो। बॉटम लाइन इज उनको दिखाना है कि आपके पास पैसे हैं, अगले साल की फीस भी दे सकते हो और घर से आपको खाने पीने के और रहने के लिए पैसे भी मिल सकते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। देन पर्पस ऑफ स्टडी, पर्पस ऑफ स्टडी एंड रेलेवेंसी विद योर प्रीवियस एजुकेशन, ये दो अलग अलग रीज़न है। पहले मैं रेलेवेंसी वाला बता देता हूँ, रेलेवेंसी की बात करते हैं, मतलब अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो आप ये देखो कि यार मैंने प्लस टू में क्या पढ़ा था, जो पढ़ा था उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट कोर्स लेना है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, तो जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करी थी उसी फील्ड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन चूज़ करनी है। बड़े सारे लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि मिसमैच हो जाती है उनकी प्रीवियस एजुकेशन एंड करंट, इस वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कोर्स बड़े ध्यान से चूज़ करना है, बिल्कुल मैच करना चाहिए। देन पर्पस ऑफ स्टडी, अब वो पर्पस भी जानना चाहते हैं कि आपकी कंट्री में भी तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, आप यहाँ क्यों नहीं पढ़ लेते, आप बाहर जाना चाहते हो, वहाँ पे आप 30-40 लाख एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हो तो आप अपनी कंट्री में ही पढ़ लो, राइट। तो वो भी हमको जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं पर्टिकुलर इसी कंट्री में, कनाडा में, यूके में या यूएस में ही क्यों पढ़ने जा रहा हूँ। उनको बताना पड़ता है कि वहाँ पर क्वालिफिकेशन की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, वहाँ पर मे बी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। यहाँ की बुराई नहीं करनी, ये चीज़ माइंड में रखना, ये नहीं बोलना जी इंडिया में तो अच्छी स्टडी नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ की बुराई नहीं करनी। जिस कॉलेज को आपने चूज़ करा है उस कॉलेज की थोड़ी रिसर्च करो कि उनके पास अच्छा क्या है, जो वहाँ पे अच्छा है, जिस चीज़ में उनकी एक्सपर्टिस है वो लिस्ट डाउन करो, वो बताओ कि हाँ जी इस वजह से मुझे लगता है जब मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो मेरा एक बेटर करियर होगा। सो
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीजन इज मिसिंग मार्कशीट्स. मिसिंग मार्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, दोनों चीजें. मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लगाते नहीं हो जो चाहिए होते हैं और जो जरूरी होते हैं. आजकल एक चीज माइंड में रखो, आधे से ज्यादा वीजा तो कंप्यूटर रिफ्यूज कर देता है. लाखों फाइल जा रही हैं, एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी फाइल बड़े ध्यान से पढ़े. नो, आधे से ज़्यादा तो कंप्यूटर ही डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो वो रिजेक्ट कर डालता. तो आपने मेक श्योर करना है अपनी मार्कशीट, कोई गैप है, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सारे के सारे ही आपकी फाइल में हो. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. देन लैंग्वेज अबिलिटी. लैंग्वेज अबिलिटी, आईएलटीएस, पीटीई एटसेट्रा. आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज तो आनी चाहिए. नहीं, आप इंटरेक्ट कैसे करोगे, उनकी बात सुनोगे कैसे, समझोगे कैसे? आपकी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी वहाँ जाकर अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती. बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन अब्रॉड जाना चाहते हैं. बोलते हैं जी बिना आइल्स के करा दो, बिना आइल्स के करा दो, उस कंट्री में भेज दो, किसी भी कंट्री में भेज दो, बिना आइल्स जाना है. यार आप खुद सोचो, क्या आप कंफर्टेबल रहोगे? आपको लैंग्वेज नहीं आती किसी कंट्री की, वहाँ पे जाके काम कैसे मांगोगे, खाना कैसे मांगोगे? किसी से बात तो करनी है ना. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लैंग्वेज सीख लो. जिस कंट्री में भी जाना है उसकी लैंग्वेज सीख लो, फिर ही आपको वहाँ पर जाना चाहिए. और दूसरी कंट्री भी इसी वजह से आपको वीज़ा नहीं देती जब आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती. अभी अगर आप कनाडा की बात करो तो वहाँ पर 6 ईच चाहिए. अगर आपके 6 ईच नहीं है, किसी एक मॉड्यूल में आपके 5.5 है, तो आप FDS कैटेगरी में अपनी फाइल नहीं लगा सकते. राइट, देयर इज अनदर कैटेगरी जिसमें आप अपनी फाइल लगा सकते हो, बट चांसेस हाई रहते हैं FDS में. अगर आप 6 ले लो तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपकी फाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है. देन ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है, गैप. आपका गैप है, आपने स्टडी करी थी. हमारे यहाँ पंजाब में एक प्रॉब्लम है, बच्चा प्लस टू करने के बाद जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, साल डेढ़ दो तो बेचारा आइल्स में गुजार देता है. तो जब तक उसकी आइल्स क्लियर होती है या बाकी के पैसे वगैरह रेडी होते हैं, अरेंजमेंट होता है, उनके 2 साल का गैप हो जाता है. तो एक रिस्क रेज हो जाता है कि हाँ गैप बढ़ गया. तो ड्यूरिंग उस गैप में फिर आपका आप कवर नहीं कर पाते जब फाइल लगाते हो, तो आपके रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसके लिए मेरी सुजेशन है कि आप, अगर आपको पता है, प्लान किया है कि हाँ जी मैंने प्लस टू के बाद जाना है, तो आप अपनी 11वीं 12वीं में ही अपनी आईएएस की प्रेपरेशन शुरू कर दो. 11वीं 12वीं में ही आईएएस की प्रेपरेशन शुरू कर दो, और जैसे ही प्लस टू कम्प्लीट हो, साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई आप डिप्लोमा वगैरह स्टार्ट कर दो, जिससे आपका गैप कवर हो जाएगा जब आप फाइल लगाओगे. तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. उसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है, फेक डॉक्यूमेंट्स. फेक डॉक्यूमेंट, बहुत सारे लोग हैं फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं. कुछ लोग अपनी मर्जी से लगाते हैं क्योंकि उनको बोला भी होता है एजेंट्स ने कि हाँ जी आपका नहीं होगा, तो वो बोलते हैं जी नहीं मेरा करवाओ, कैसे भी करवाओ, आई वांट टू गो, आई एम रेडी टू स्पेंड मनी, मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ. और कुछ लोगों को एजेंट्स बोलते हैं दैट इफ़ यू वाना गो यू विल हैव टू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स, आप बनवा लो, हम काम करवा देंगे. लेकिन एक बात याद रखना, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिफ्यूज़ल ही आऊगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, डेटा आपका हर जगह से, पता नहीं कहाँ कहाँ आपका डेटा पड़ा है. बड़ा ईजिली आजकल पता चल जाता है कि आपने वाकई में ये डिप्लोमा ये डिग्री करी है कि नहीं, ये एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं है. आपका देखो डेटा सोशल मीडिया से, लिंक्डइन पे, फेसबुक, हर जगह आपका डेटा है. हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ एक चुटकी में पता चल जाता है स्टूडेंट का. राइट, तो यू शुड अवॉइड पुटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल. ओके, अभी मैं बताने वाला हूँ सोल्यूशन कि इन सारी चीज़ों के बाद सोल्यूशन क्या करना है, मतलब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है. सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो जो मैंने अभी तक बोला है इस वीडियो में, ये आपने ध्यान रखना. सोल्यूशन इसका ये है कि आप खुद इन्वॉल्व हो. मतलब आप में से बहुत सारे लोग फाइल लगवाते हैं एजेंट्स के थ्रू, राइट, लेकिन आपका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. बहुत सारे एजेंट्स आपको बताते नहीं हैं कि आपकी फ़ाइल में क्या है. आप सीधा बोलते हैं अच्छा जी ये सर्टिफिकेट अपने दे दो, इतने पैसे दे दो और हम कर देते हैं. उनको बोलो नहीं, वील वर्क एज ए टीम. जैसे हमारे पास से आप लगवाते हो वीज़ा, तो हम एक टीम के जैसे काम करते हैं. हम साथ साथ आपको बताते हैं, आपको चेक करवाते हैं, अच्छा भाई ये तेरी SOP है, ये तेरे ये डॉक्यूमेंट है, ये तेरे गैप वाले पे हमने ये लिखा. देखो SOP एक बहुत बड़ी पावर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ये अगर आप अच्छे से लिख लो तो आपका आधा काम हो जाता है.
क्योंकि SOP आपकी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक SOP समरी है, आपने बाकी क्या कागज वागज लगाए हैं उन सभी का आप यहाँ पर ब्रीफ कर देते हो, तो ये आपकी पढ़ी जाती है। इसमें आपने मेंशन करना होता है कि हाँ जी मैंने यही कोर्स क्यों चूज़ करा, मैं इतने पैसे वहाँ पे जाके क्यों खर्च कर रहा हूँ, मुझे क्या बेनिफिट होगा वहाँ पे जाके स्टडी का, और बाद में मेरे क्या प्लान्स हैं। आप शो कर सकते हो बाद में मेरे प्लान्स ऐसे इंडिया में कुछ हैं, जहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि हाँ जी आप कि आपका टाई शो हो जाएगा, आपका माइंडसेट शो हो जाएगा। तो SOP बड़े ध्यान से, जब आपका गैप भी है कोई तो वहाँ पे जस्टिफाई करो कि ये गैप क्यों हो गया। एक फेक डॉक्यूमेंट लगाने से अच्छा है क्या वहाँ पे जस्टिफाई कर दो, एग्जैक्ट रीजन बता दो तो आपका रिफ्यूज नहीं होगा, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो रिफ्यूज हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट आपके साथ डिस्कस ही नहीं करते और आप भी पूछते ही नहीं हो, आप सीधा बोलते हो ये ले भाई पैसे और ये ले मेरे डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप उसको बोलो कि भाई तू कर ले जो करना है, लेकिन फाइल लगाने से पहले सारे कागज एक बार मुझे दिखाने, मैंने देखना है कि तू क्या क्या लगा रहा है, व्हाट इज रिटन इन माय SOP एंड व्हाट आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जब आप खुद की फाइल को सीरियस लेते हो तो आप खुद काम कर रहे होते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे होते हो, आप कोई एरर नहीं रह जाता। बड़े सारे वीजा इस वजह से भी रिफ्यूज हो जाते हैं कि एरर होते हैं, जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, आपके मम्मी पापा, आपने मान लो लिख के दिया भाई का नाम और पापा का नाम, आपके पापा की जगह आपके भाई का नाम लिख के दे दिया जाता है और भाई की जगह पापा का नाम, जस्ट सो मेनी मिस्टेक्स। अगर आप एक बार कागज चेक कर लेते हो तो आप अश्योर कर सकते हो कि हाँ यार सब कुछ ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद दिस फाइल। तो होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, आगे भी बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आने वाली है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, यहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप IELTS करना चाहते हो, IELTS क्लियर नहीं कर पा रहे, अब्रॉड जाना चाहते हो किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पे, PR लेना चाहते हो, तो हर तरह की वीडियोज़ अवेलेबल है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके लिए। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।